गेमर्स, गरेना फ्री फायर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट हुआ है, जहां हम सब लोगों को पहले जितने भी कैरेक्टर थे, यानी कि ज्यादातर कैरेक्टर हम लोगों को गोल्ड में मिलते थे, लेकिन गाइस अपडेट के बाद एक भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो हमें गोल्ड में मिल रहा है। तो गाइस क्यों ऐसा किया गरेना ने, इसके पीछे क्या है रीजन, क्या हमको इन फ्यूचर कभी भी हमें गोल्ड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज के वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमेशा की तरह राज गेमिंग चैनल यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों कैसे हो, आई थिंक सब बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहने। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप एक न्यू प्लेयर और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आज से एक वीक पहले जब भी आप स्टोर के अंदर आके देखते थे, जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं जैसे कि मैक्सिम हो चुका, मिसा हो चुका, ये सभी हम लोगों को गोल्ड में मिल रहा था और गोल्ड हम सबको फ्री में मिलता है, ओके, जहां डायमंड गाइस हमें पैसे से लेना पड़ता है। तो गाइस गरेना ने ऐसा क्यों किया, तो गाइस मैं आपको क्लियर बता दूं कि गरेना फ्री फायर एक पे टू विन गेम है जिसके अंदर आप पैसे अगर डालोगे तभी आप गेम जीत पाओगे, और इसके गाइस मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर आप गेम खेलते हो तो आपको पता होगा, अगर आपके पास ईवो गन्स है, मेरे खुद के पास तो है गाइस, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास ईवो गन्स है तो आप खुद ट्राई करना कितना डैमेज में डिफरेंट दिखता है। तो गरेना फ्री फायर पे टू विन है, लेकिन गाइस जो इनका बैन का सिचुएशन इंडिया में अभी चल रहा है उसकी वजह से गरेना फ्री फायर भी ये बात जानते थे कि हमारे बहुत सारे प्लेयर हमारे BGMI में, कॉल ऑफ ड्यूटी में, अलग अलग बहुत ही अच्छी अच्छी बैटल ग्राउंड है उसमें स्विफ्ट हो रहे। तो गाइस गरेना ने रोकने के लिए क्या किया, मैं जो भी है गाइस रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो गाइस स्टोर से हमारे जितने भी कैरेक्टर थे सबको रिमूव कर दिया, ओके, तो रिमूव करके उन लोगों ने ऐसी चालाकी दिखाई कि हम लोग इनको उल्लू बनाते। तो गाइस हम लोगों को कैसे उल्लू बना रहा है फ्री फायर, तो सबसे पहले वहाँ से रिमूव करके हमें एक यहाँ न्यू एक पूरा इवेंट दे दिया गाइस इंटरफेस के साथ, जहाँ लिखा है फ्री कैरेक्टर सिस्टम। देख रहे हो गाइस देखने में कैसा दिखता है फ्री कैरेक्टर सिस्टम, लेकिन इसके अंदर रियलिटी है कि आप जैसे क्लेम करोगे आपको 24 दिन के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ 14 दिन के लिए, सॉरी 24 घंटे बोल रहा था, लेकिन 14 दिन के लिए आपको दिया जाएगा, ओके। एग्जांपल तरीके से ये लेना है तो आपको 14 दिन के लिए मिलेगा। तो ये इनकी पहली चालाकी है। दूसरा है गाइस यहाँ गरेना फ्री फायर अपने प्लेयर्स को रोकने के लिए क्या किया है, तो यहाँ एक टास्क दे दिया गया और इस टास्क को गाइस अगर आपको कंप्लीट करना है तो 15 दिन गेम खेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 दिन आप जब गेम खेलोगे उसके बाद ही आपको ये सभी टोकन मिलेगा, और इस टोकन से गाइस आप लोग यहाँ हमारा जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकते हो, जिसमें इन लोगों ने क्लिक बेट किया है, आलोक है उसको दिखाया गया, लेकिन आलोक आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस है कि 80% आपको कोई और ही कैरेक्टर मिलेगा, 20% चांस है कि आपको आलोक मिलेगा, ठीक है। तो गरेना ने वहाँ से गोल्ड में से निकाल दिया और बोल रहे हम यहाँ फ्री में दे रहे। तो भाई पहले जब गोल्ड में दे रहे थे वही हमारे लिए फ्री थे और बहुत सारे बंदे उसमें खुश थे क्योंकि उनके अच्छे खासे कैरेक्टर वहां से मिल जा रहे थे। मैं समझ सकता हूं कि क्रॉन ओके डीजे आलोक ये सब नहीं मिल रहा था, लेकिन गाइस और कैरेक्टर तो मिल रहे थे जिससे हम सब खुश थे, लेकिन जो न्यू प्लेयर आएंगे उनको तो कोई कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे खेलेंगे। तो वो ऐसे चाहते हैं गरेना फ्री फायर, ये मेरा नहीं कहना उनका, कि गाइस जो बंदे आते हो 15-20 दिन के लिए हमारी गेम खेले सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, ये रियलिटी बन के रह चुका है, ओके। और दूसरा गाइस अदर सर्वर में हमारा अपडेट की वजह से, बैन की वजह से इंडिया में तो उनको अपडेट करने नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सही हो गई तभी नहीं किया पाए। तो गाइस उसके वजह से गरेना फ्री फायर का जो OB3 का मेगा अपडेट आने वाला था, यानी कि मेंटेनेंस, वो नहीं आया। तो गाइस जो अदर सर्वर है, जितने भी सर्वर है हमारा रशिया को छोड़ के, गाइस रशिया में अपडेट नहीं हुआ है, दो इंडिया और रशिया दोनों पे वो भी अपडेट नहीं आया, उन सबको छोड़ के गाइस ब्राजील उठा लो, बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश सर्वर में भी आप अगर जाके अभी देखोगे कैरेक्टर में तो वहां लिंक का ऑप्शन आ गया, और लिंक के ऑप्शन के अंदर गाइस जो अभी आप नेपाल से अगर बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि आप लोगों को डीजे आलोक एकदम फ्री में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, डीजे आलोक फ्री में है, साथ में कैरेक्टर फ्री में, यानी कि A to Z कैरेक्टर उन लोगों को फ्री में मिल रहा है, लेकिन इंडिया में गरेना ऐसा कभी नहीं चाहता क्योंकि गाइस गरेना को भी पता है इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, उसकी वजह से वो लोग हमेशा हमें लूटने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ओपिनियन है गाइस, अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इंडिया में हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं, जहां हमें कुछ कैरेक्टर गोल्ड में दिए जा रहे थे उसको भी अब रिमूव करके ये लोग बोल रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग फ्री में दे रहे हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, बाकी मेरी तरफ से तो गाइस ये बिल्कुल इनका एक मार्केटिंग का है जिसके अंदर बहुत सारे बंदे जा रहे, उनको रोकने के लिए यहाँ गाइस इन लोगों ने डीजे आलोक दिखा दिया और बोल रहे हैं आप 100 टोकन इकट्ठा करो, और ये 100 टोकन गाइस आप तभी इकट्ठा कर पाओगे जब आप 10-15 दिन गेम खेलोगे। तो गाइस बस आज की वीडियो में यही बताना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।